अक्सर रेस्टोरेंट में जाकर के हम सबसे पहले ऑर्डर करते हैं शाही पनीर का, क्योंकि वो क्रीमी होता है, स्मूथ होता है और डिलीशियस होता है। पर आज इस शाही पनीर को बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मिलने वाला है हमारी किचन में। ऑफकोर्स होगा वही हमारा फेवरेट शाही पनीर, एट द सेम टाइम बस वो होगा थोड़ा सा हेल्दी। आई एम प्रदीप बत्रा एंड वेलकम टू बत्रा जी की रसोई। Let's come and see how to make शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। यहाँ हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं जिनको हमने काट लिया है, 3 प्याज जिसको हमने काट लिया है, छोटे और पतले पतले पीसेस में काट लिए है, 2 लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 कलियां हमने यहाँ पर ली हैं लहसुन की, 12 से 14 पीस हमने यहाँ लिए हैं काजू के, 2 चम्मच हमने यहाँ पर लिए हैं मगज और 8 से 10 पीस हमने लिए हैं बादाम के, 400 ग्राम हमने पनीर लिया है, 2 मक्खन की टिक्की लिए हैं। इसके लिए खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 तेजपत्ता, 1 छोटा पीस हमने यहाँ पर लिया है दालचीनी का, 1 पीस हमने लिया है यहाँ पे जायफल, 5 से 6 हरी इलायची और 4 पीस लौंग। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है। साथ में हम इसमें डाल देंगे मक्खन, यहाँ हमने 2 चम्मच मक्खन लिया है वो डाल दिया है। ये मक्खन इसलिए डाला, रिफाइंड इसलिए डाला है पहले ताकि हमारा मक्खन जले नहीं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने खड़े मसाले, सभी खड़े मसाले इसमें डाल दिए जाएंगे, इसको हल्का सा सॉटी करेंगे, सॉटी करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको हमें हल्का सा पकाना है। मीडियम फ्लेम पे करके इसको पकाइए, जैसे ही ये हल्का सा पिंकिश हो जाएगा, ये हमारे प्याज हल्के से पिंकिश हो गए हैं, इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन, इसमें हम डाल देंगे साथ में ही मगज, काजू, बादाम, हरी मिर्च, और अदरक का पेस्ट, इसको हम थोड़ा सा सॉटी करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, वन फोर्थ टीस्पून काला नमक, और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी,
एक गिलास से क्रीम डाल दीजिए और हमें इसको अब पकाना है, इस पानी में पकाना है। इसको मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए कम से कम पकने दीजिए, जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाएं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, देखते हैं कि हमारे टमाटर गले हैं या नहीं गले हैं। ये गल गए हैं अच्छी तरह से, 15 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट आप इसको ठंडा होने दीजिए। इसको चलिए देखते हैं, ये मसाला हमारा शाही पनीर का ठंडा हो गया होगा। इसमें से हम जो इसके खड़े मसाले थे उनको हम निकाल देंगे, नहीं तो इनका स्वाद उसमें आता है, ग्रेवी में आता रहेगा। अब हम इसको पीसेंगे। मसाले को जो है हमारा टमाटर और प्याज का जो मसाला बनाया था हमने उसको ग्राइंडर में पीस लिया है मिक्सी में, और इसको अब हम छानेंगे। स्पून की मदद से इसको हम छान लेंगे ताकि जो हमारा टमाटर का छिलका है या जो बीज हैं वो इसी में रह जाएं और हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी मिले। ये ग्रेवी हमने इसकी जो है पानी डाल करके सारा इसको ग्रेवी को निकाल लिया। ये देखिए हमारे छिलके और बीज वगैरह जो है वो इसी में रह गए हैं छन्नी में। ये देखिए कितनी स्मूथ हमारी ग्रेवी है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। और जो हमारा इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने पनीर के टुकड़े, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि फ्राई किए हुए पनीर एक तो सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बढ़िया लगते हैं। ये हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको हमने रेडिशपन नहीं आने देना है कि जैसे हम पूरा फ्राई करते हैं वो चीज़ नहीं आने देनी है। हल्का सा इसको फ्राई करके हम लोगों ने अलग रख लेना है। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर जो हमारा ऑयल बचा हुआ है इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। यहाँ हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब मक्खन डाला है। इसमें डालेंगे हल्का सा लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच के करीब, और इसको हम हिला लेंगे।
हिला के इसमें हम डालेंगे, एक चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको हम हल्का सा सॉटी कर लेंगे, सिर्फ मैक्सिमम एक मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी स्लो आंच पे, ताकि उसका टेस्ट उसमें आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो हमारी बनी हुई ग्रेवी थी शाही पनीर की, वो हम डालेंगे। फ्लेम को कर लेंगे हम मीडियम। और 2 मिनट के लिए इसमें इसको पकाएंगे। दो से तीन चम्मच इसमें हम डालेंगे क्रीम। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ग्रेवी जो है शाही पनीर के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसको हेल्दी करने के लिए, जो मैंने आपको कहा था कि कुछ हमारा इसमें ट्विस्ट आएगा, अब हम वो करेंगे इसके अंदर ट्विस्ट। इसके अंदर हम डालेंगे शहद, इसमें हम 1 चम्मच शहद डाल देंगे, क्योंकि शाही पनीर जो होता है उसकी जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा हल्का सा मीठा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डाला है शहद। और इसके साथ ही हम यहां पर डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको कि हमने थोड़ा सॉटी करके रखा हुआ है, और इसको हम क्रश करके इस पे डाल देंगे। और इसको कर दीजिए मिक्स। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। कसूरी मेथी से डालने से इसका ग्रेवी का स्वाद और बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा पास पनीर था कटा हुआ, जिसको हमने सॉटी किया था थोड़ा सा, उस पनीर को इसमें डाल देंगे। और एक तेज फ्लेम पे लेके ये लीजिए, हमारा शाही पनीर रेडी हो गया है। फ्लेम को कर देंगे अब हम बंद, और अब इसकी करेंगे प्लेटिंग। अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे। इसमें हम लगाएंगे हरी मिर्च, यहाँ हमने रखे हैं काजू के दाने क्रश किए हुए थोड़े से, इनको डालेंगे, क्योंकि शाही है तो कुछ शाही बनना चाहिए ना, लगना चाहिए कि हाँ शाही है। ये लीजिए दोस्तों, शाही पनीर आपके खाने के लिए तैयार है। लुफ्त उठाइए इसका, आप भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।